बाहर जाने के नाम से लेटरिन लगना और इसलिए बाहर नहीं जाना, यह केस स्टडी है, उसके बारे में आपसे बातचीत करता हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। एक व्यक्ति मेरे पास में आया कि जिसको पिछले 3 साल से ऐसा प्रॉब्लम है कि वो बाहर जाता ही नहीं। पहले क्या था उसका कि पहले बाहर गांव जाने में प्रॉब्लम था, मतलब बाहर गांव जाना तो उसको लगता था डर कि भाई बाहर गांव जाऊं, मैं बस से जाऊं या कार से जाऊं या ट्रेन से जाऊं, जैसा भी, तो मुझे लैटरिन लग जाएगी और फिर वो अच्छा दिखेगा नहीं। ट्रेन से तो समझो वो सफर कर सकता था क्योंकि ट्रेन में टॉयलेट्स होते हैं, बस में तो पॉसिबल ही नहीं, मैं बस कहां रुकाऊं, या कार से जाते तो फिर कहां लैटरिन करूं। तो कार से नहीं जाना, बस से जाना बिल्कुल ही नहीं है क्योंकि वो पब्लिक व्हीकल है, बीच में कहां रुकाएंगे, तो बाहर गांव जाना बंद। फिर धीरे 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 जैसा बढ़ते गया वैसा उसका गांव में भी जाना बंद हो गया, मतलब गांव के गांव में इंटर सिटी में भी घूमना है तो बंद कर देंगे, उसको लगता है कि मैं बाहर जाऊंगा तो लैटरिन लगेगी। वो नाम से उसको मतलब इतना डर बैठ गया था कि उसने बाहर आना जाना बंद, काम पे जाना बंद, घर में बैठे रहना, और पेट के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसको हो रहे, कभी पेट का जी मचलाना तो कभी उल्टियाँ हो जाना तो कभी पेट फूलना या भूख लगना नहीं, ऐसे प्रॉब्लम आ रहे हैं, और नहीं तो फिर ये लैटरिन का डर है। उसको जब पूछा तो भाई हुआ क्या 3 साल पहले क्या हुआ, तो 3 साल पहले जब वो बोलने लगा कि भाई एक्चुअली जब हुआ व्हाट हैपन, हुआ क्या, जब घटना क्या हुई, तो उसके पिताजी मतलब ये इतना बड़ा होने के बावजूद भी उसके पिताजी ने उसको बोला कि तू जितना चाहिए उतना कमाता नहीं है, मैं बहुत कमाता हूँ, मेरे पैसे के ऊपर खाता है, और बहुत कुछ उल्टा पुल्टा उसको बोले, और बोले तो अलग होना पड़ेगा, आपका आपका जो फैमिली है वो अलग रह जाओ, फिर आप जब अलग हो जाएंगे ना, जब पैसा कमाने का टाइम आएगा ना, जब भूखा मरेगा ना तो बराबर पैसा कमाएगा, फिर ज़्यादा पैसा कमाएगा, ऐसा बहुत उल्टा पुल्टा बोल दिया पिताजी ने, और तब से फिर वो बीमार पड़ गया। अब बीमार पड़ना यह क्या हो गया उसके लिए, एक हो गया अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, मतलब अभी बीमार है तो कैसा अलग करेंगे पिताजी, कर ही सकते नहीं है क्योंकि अभी सबके लेके आए हैं बीमार हैं। उसने धीरे 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 मतलब बेड़ी पकड़ लिया कि घर के बाहर ही जाना नहीं है, सब तरह के इन्वेस्टिगेशन हो गए पूरे, कुछ निकलना नहीं रहा, कुछ निकल नहीं रहा है। अल्टीमेटली उसको किसी ने मेरा नाम सजेस्ट किया तो हमारे पास में आए, फिर मैं लगा कि आपका जो एक्सपीरियंस है 3 साल पहले का उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, पास कंप्लीट करो, जो भी पिताजी ने वो बोला वो बोला, पिताजी ने जो बोला वो आपके अच्छे के लिए बोला, पिताजी कोई आपके दुश्मन नहीं है, उनको ऐसा लगा कि भाई ये इतना बड़ा होने के बाद में भी कमाता नहीं है, जितना चाहिए उतना कमाता नहीं है, तो वो गुस्से में बोले उनके साथ में बैठो कंप्लीट करो उनको क्या चाहिए, बातचीत चालू करो, एक हो जाओ पिताजी के साथ में और देखो फिर क्या फर्क पड़ता है। तो उसको मैं दवाई भी दिया, पिताजी से बातचीत करने के लिए बोला, माताजी से बातचीत करने के लिए बोला, जो भी उसके दिमाग में चल रहा है पिताजी के बारे में, जब उसने बोलना चालू किया पिताजी ने बोला ये तो मेरे दिमाग में भी नहीं था, मैं तो गुस्से में बोल गया, मुझे क्या पता कि तुझे इतना लग जाएगा ये और तू ऐसा बेड़ी पकड़ लेगा फिर धीरे धीरे। तो ऐसा कुछ ना कुछ सिम्टम्स जो है बॉडी के वो अपने ब्रेन में, कहीं तो भी हादसा हो गया, ब्रेन के कोई विचार बदल गए, ब्रेन में विचारों का मतलब कन्फ्यूजन हो गया, ब्रेन उसको डील नहीं कर सकता, तो फिर क्या करता है ब्रेन, ब्रेन फिर अपने बॉडी के माध्यम से वो बाहर निकालता है और फिर बॉडीली सिम्टम दिखते हैं और फिर उसका इलाज फिजिशियन के पास में होता है। फिजिशियन वो डील ही नहीं कर सकते, जो साइकेट्रिस्ट डील कर सकता है फिजिशियन डील नहीं कर सकते। उनको मैंने हिप्नोथेरेपी साइकोथेरेपी के माध्यम से और दवाई के माध्यम से उनको ठीक किया, पिताजी के साथ में उनको बोला कि आप बातचीत करो, उनके साथ में संबंध अपने ठीक करो, तुम्हारे दिमाग में पिताजी के बारे में जो एक दहशत बैठी हुई है या अपने को अलग कर देंगे वो ठीक करो, उसके बारे में बातचीत करो, सच्चे ऐसा होने वाला है क्या, तो सब ठीक हो जाएगा। जब उसने बातचीत चालू किया पिताजी के साथ में धीरे 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 वो ठीक होने लगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। हमारा जो मिशन है, हमारा संकल्प जो है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसमें आपका भी हाथ लग जाएगा, आप हमारे पार्टनर बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।